मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। वो टॉपिक है कि हम में से कई लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मुझे जीवन में खुशियां नहीं मिलती, मैं जीवन में जो चाहता हूं वो कभी मिल नहीं पाता है। ऐसा ही एक इंसान जो कि अपने जीवन से बहुत दुखी होता है, अपने गुरु जी के पास व्यथा सुनाने चला जाता है कि गुरु जी आज तक जीवन में जो चाहा मिल नहीं पाया, सोचा था कि जिस दिन नौकरी लगेगी उस दिन अपने माँ बाप को अच्छी जगह घुमाने ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा कराऊंगा, लेकिन मेरी जैसी जॉब लगी मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मैं उनको नहीं ले जा पाया। मैंने ऐसा सोचा था कि जब मेरा प्रमोशन होगा तो बच्चों को छुट्टियों के लिए मैं बाहर कहीं गोवा जैसे प्लेसेस पे लेकर जाऊंगा, लेकिन प्रमोशन तो मिला ही नहीं। मैं जब भी कुछ चाहता हूं, बड़ी खुशियां पाना चाहता हूं, मुझे खुशियां मिलती नहीं, हमेशा निराशा मिलती है। मैं खुशियों का एम बनाता हूं, चीजें अपने आप पीछे छूटती चली जाती हैं। गुरु जी ने कहा, बात तो बड़ी सीरियस कह रहे हो। गुरु जी अपने उस शिष्य को लेकर चले जाते हैं गार्डन में, जहां पे बहुत सारे गुलाब के पौधे लाइन से लगे होते हैं। गुरु जी ने कहा कि आपको इस गार्डन में से कोई एक सुंदर सा गुलाब चुनना है जो सबसे सुंदर होगा, और लेकिन कंडीशन यह है कि वो सारे गुलाब लाइन से लगे हुए हैं, आपको पीछे पलट कर आने की अनुमति नहीं है। आपको जो गुलाब लेकर आना है बस एक ही लेकर आना है, और वो शिष्य बात मान लेता है, चलना शुरू कर देता है। पहले उसे एक सुंदर गुलाब मिलता है, उसको देखता है, उसकी उम्मीद होती है कि इससे बेहतर आगे मिलेगा, आगे कुछ बड़े गुलाब भी मिलते हैं, आगे और सुंदर गुलाब मिलते हैं, लेकिन उसके मन में एक चीज रहती है कि शायद इससे आगे और भी बेहतर गुलाब हो। ऐसे कर करके वो लास्ट लाइन में आ जाता है जहां पे उसको गुलाब मिलता तो है लेकिन मुरझाया हुआ गुलाब मिलता है। उस गुलाब को तोड़कर वो गुरुजी के पास लाता है और गुरुजी से कहता है कि रास्ते में मुझे बहुत अच्छे गुलाब मिले थे, कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े भी थे, कुछ खूबसूरत भी थे, लेकिन मेरी चाहत ये थी कि इससे अच्छा गुलाब मिले, इसलिए मैं आगे निकल गया और लास्ट में मुझे मुरझाया हुआ गुलाब मिला। तब गुरुजी ने कहा कि हमारा जीवन भी इसी तरीके से होता है, हम जीवन में बड़ा सुख चाहने के चक्कर में आगे बढ़ते चले जाते हैं, छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं, जिससे हमारा जीवन दुखी हो जाता है। लेकिन एक बात को याद रखना पड़ेगा कि जब भी जीवन में छोटी छोटी खुशियां मिले इनको एंजॉयमेंट करिए, क्योंकि हो सकता है इन छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियां छुपी हो। और एक बात याद रखना, हमेशा मंजिल से ज्यादा सफर शानदार होना चाहिए। अपने सफर को खूबसूरत बनाइए, देखिएगा मंजिल अपने आप शानदार हो जाएगी। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है छोटी छोटी चीजों में खुश होना, हर पल कुछ बड़ा करने की सोचने से ज्यादा जरूरी है कि छोटी चीजों को पा लेना और उनके साथ खुशियां बिता लेना। यदि गुरु जी की ये बात आपको भी समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।